कब हो रहा है। सेहत बिल्कुल ठीक थी, गड़बड़ हो रही है। फैमिली में सब मोहब्बतें थी, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कुछ चीजें डिस्टर्ब होने लगे ना, तो चेक करना किसी की बदुआ तो नहीं ले ली, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। जिंदगी में दिल न तोड़ो, दुआएं लेने वाले बनना, हाय लेने वाले मत बनना, क्योंकि मजलूम ने अगर हाथ उठा लिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। एक और हदीस सुने, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में। हाँ, बाप की दुआ या खास वालिद का जिक्र किया है। यहां मैं एक और मशवरा भी देना चाहूंगा, जितने माँ बाप यहां बैठे हैं ना, अपने बच्चों के लिए जरूर दुआ किया करें। हाँ, आपकी दुआ उनके लिए मकबूल है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारा बच्चा दिल दुखा देता है, या बच्चा जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता, बात नहीं मानता। हम तो माँ बाप हैं ना, जब अल्लाह ने हमें ये मकाम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हदीस में ये मकाम अता कर दिया कि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है, अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह इसको नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मेरा भी फरमा बरदार कर दे, अपना भी फरमा बरदार कर दे, ताकि उस बच्चे का बेड़ा पार हो जाए।